और 2MPU पर आपका स्वागत है और हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास आपकी डिमांड पर अनबॉक्सिंग एक मेरे न्यू फोन की जो है T2X 5G Vivo का। Vivo ब्रांड आप जानते हैं, Vivo के बारे में ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करके और अब हम जल्दी जल्दी कुछ इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ खास है, क्यों मैंने ये परचेज किया है, क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस को। तो चलो चलते हैं और इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं और डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या खास है। बात करें इसकी रैम की तो एक्सटेंडेड रैम 3.0 यानी कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे इसके रैम की बात करें तो 6GB 128GB के रोम है और मॉडल नंबर है V2312 Vivo का। इसके अलावा बात करें 50MP मेन कैमरा यानी कि जो पीछे कैमरे की बात करें तो वो 50MP का इसका कैमरा है, 5000mAh की इसकी बैटरी है। तो बैटरी बहुत खास है, तो बैटरी 5000mAh की बैटरी है तो लगभग 24 आवर्स से ज़्यादा हम इसको कवर कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। कलर की बात करें तो गोल्ड इसका कलर है और मेड इन इंडिया ब्रांड है। 1.6 kg का इसका वेट है और इसके अलावा इसमें जो नॉर्मल सभी फ़ोनों में होता है वो सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या खास था, 50MP का कैमरा। और चलो चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। प्राइस डिस्क्लोज कर लेते हैं हम। प्राइस की बात करें तो जो लो बजट वाले हैं मेरे ऑडियंस हैं उनके लिए मैं ये फ़ोन लेकर आया हूं और ये आपको मिल जाएगा बिलो 15,000। बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, बात करेंगे इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। चलो चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं फ़ोन कैसा है, कितना क्या कुछ खास है, अंदर से देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। ओह वाह, तो सबसे पहले खोलते ही हमें हमारा फोन मिला है। इसके अंदर फोन मिला है, फोन के अलावा क्या क्या मिला है हमें, ये कुछ नहीं है। Vivo का क्विक स्टार्ट गाइड है जो कि हमें गाइडेंस कर रही है कि ना किस तरीके से इसको ऑन करना है, किस तरीके से इसको ऑफ करना है। इसके अलावा बुकलेट मिली है हमको इंफॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड के लिए। नॉर्मल है जो सब में होती है वैसे के वैसे वारंटी कार्ड है और इसके अलावा कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई आपको परेशानी है तो आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हमें जो भी आपको परेशानी हो। वैसे इसमें कोई परेशानी है नहीं। लो बजट में अगर बात करें लो बजट की तो 15,000, बिलो 15,000 तक के बजट का फ़ोन है, बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा मुझे इसके साथ में क्या मिला है, एक चार्जर और इसके साथ में इसका अडॉप्टर भी मिला है। अडॉप्टर की बात करें तो मॉडल नंबर इसमें दिया हुआ है, इनपुट 100-240 volt तक का ये प्रेशर ले सकता है, आउटपुट इसका 5 volt है और नॉर्मल फास्ट चार्जर है। इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। लीड अब आती नहीं है, ब्लूटूथ एक्स्ट्रा में लेने पड़ते हैं, इसके साथ में नहीं है। और इसके साथ में हमें मिली है इसकी साइड पिन के लिए, जो सिम लगाने के लिए पिन मिली हुई है। चलिए चलते हैं और फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओह वाओ, देखिए कितना सुंदर और कितना ब्राइट कलर लग रहा है और आप इसका कैमरा देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैमरे के बारे में, 50MP कैमरा है और कलर आप देख ही रहे हैं। चलिए इसकी, तो अब हम आ चुके हैं इसके सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, अबाउट फ़ोन में जाके हम इसके बारे में पूरा जान सकते हैं। तो इसका जो फ्रंट टच OS इसमें सिस्टम का है, 2.2 GHz इसका प्रोसेसर है, रैम 6+6 दे रखी है हमको और 128GB की इसके रोम है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो OS वर्जन जो कि अभी लेटेस्ट है, मॉडल नंबर V2312
और सीरियल नंबर इसका दे रखा है, हार्डवेयर वर्जन दे रखा है, बिल्ड नंबर दे रखा है। ये हमारे कुछ काम के हैं नहीं है वैसे, तो हम इसकी बात ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कस्टमर सर्विस दे रखी है, लीगल इंफॉर्मेशन दे रखी है। आजकल लीगल इंफॉर्मेशन साथ के साथ आती है, और ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन बिलिंग भी इसके ऑनलाइन ही है। ई वारंटी कार्ड आप देख सकते हैं, कस्टमर केयर में आप जाके मैनुअल दे रखा है, सर्विस सेंटर दे रखा है। ई वारंटी कार्ड जो पहले आती थी, हम बिल परचेज करते थे, बिल हमारे साथ में हम उसको कैरी करना पड़ता था, अब हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ई वारंटी कार्ड हमारा इसके साथ में ही है। और इसके अलावा बात करें, सिस्टम दे रखा है, अकाउंट्स दे रखा है, गूगल दे रखा है, सेफ्टी एंड इमरजेंसी नंबर दे रखा है, शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी दे रखी है, अल्ट्रा गेम मोड दे रखा है, लोकेशन के लिए हमको हमारी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट करती की है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस दे रखा है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस हम चाहें जितना बढ़ा सकते हैं, डार्क थीम ले सकते हैं, आई प्रोटेक्शन। मैं मेरे व्यूवर्स को बता दूं कि जैसे ही आप अपना फ़ोन ऑन करें, आई प्रोटेक्शन सबसे पहले ऑन करें, क्योंकि आँख है तो जहान है। और अगर बात करें तो स्क्रीन टाइम आउट और ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, और कुछ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। और हम इसका साइड वर्जन देख लेते हैं, हमको दे रखा है चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। और अप एंड डाउन हम इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। व्यूवर्स को बता देता हूँ, इसकी सिम ट्रे साइड में नहीं होकर अपर में दे रखी है, तो कुछ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी किसके साथ हैं, डेली शॉट 2 MPU पर हैं। और मैं मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ये अब हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे थे हमारे इस फ़ोन को लेकर, कि इसके फ़ोन की कितने का हो सकता है, ये बिलो 15,000 तो हमने बात करी थी, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस मैं आपके साथ में आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, और ये मुझे मिला है ओनली 13,000 में, 13,000 जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपको चाहिए तो आपको 13,000 पे करने पड़ेंगे, और 13,000 में आप पा सकते हैं वीवो का T2X 5G। 5G का ज़माना है तो 5G का फ़ोन भी चाहिए सबको, तो 13,000 में आप इसको परचेस कर सकते हैं। कलर आप जो चाहें, इसमें 2 से 3 कलर इसमें अवेलेबल हैं, आप जो चाहें वो परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में बताइए अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आई, तो आप मुझे प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए, आप कमेंट करिए, आपको जो कमी लगी दूसरे अगले वीडियो में वो कमी को मैं पूरी करनी ख़त्म कर दूंगा, और आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।